वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेस प्रेजेंट्स प्लेइंग विद फायर। इस कहानी में अब किसका क्या हश्र होने वाला है। गिल्दार्दो को तो बड़ा अच्छा मौका मिला है फैब्रिजियो को मरवा देने का। वो उसे वैसे ही पसंद नहीं था। उसने ख्वाब सजा रखे हैं जॉर्ज के घर का दामाद बनने का और ज्ञानी कंपनी को अपने अंडर में चलाने का। उसमें वो कितना कामयाब होता है ये हमें आगे के हिस्सों में पता चलेगा। पर फैब्रिजियो ने जो आग लगाई है उसमें कौन कौन जलेगा और सबसे पहले कौन जलेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। फैब्रिजियो को मारने की प्लानिंग ऐसे हो रही है जिसमें वो मर भी जाए और जॉर्ज की फैमिली का नाम दूर दूर तक ना पाए। गिल्दार्दो ने टियागो को बुलाया है। वो और उसका दोस्त टियागो को समझा रहे हैं, तुम उसे मार दो और गायब हो जाओ, कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। टियागो ने कहा, फैब्रिजियो एक मेहनती लड़का है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। गिल्दार्दो ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की पर जब वो नहीं माना तब दोनों ने मिलकर उसे मार मार कर ज़मीन पर गिरा दिया। फैब्रिजियो और एंड्रिया कल रात से साथ हैं। सुबह नींद खुलते ही फैब्रिजियो ने छुपकर कैमरे से उन वीडियोस को डिलीट करना चाहा, पर तभी एंड्रिया की नींद खुल गई, वो ये मौका चूक गया। इधर कैमिला बार बार फैब्रिजियो को फ़ोन कर रही है पर बार बार कॉल वॉइस मेल में जा रहे हैं। सुबह जॉर्ज ने गिल्दार्दो से पूछा कि अब तक क्या हुआ। गिल्दार्दो ने कहा, टियागो वाला काम हो रहा है। जॉर्ज ने कहा, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। सुबह जब फैब्रिजियो अपने घर से निकल रहा है तब उसे एंड्रिया रोक रही है। फैब्रिजियो ने कहा, मुझे तुम्हारे पिता से पंगे नहीं लेने, अगर काम पर नहीं गया तो मेरी खैर नहीं। जैसे वो घर के दरवाजे से बाहर निकला यहाँ कैमिला पहुँची है। उसने कहा, तो मेरे फ़ोन कॉल नहीं उठाते, मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊँ। फैब्रिजियो ने काम का बहाना बनाया, वो उसे जल्दी से यहाँ से ले जाना चाहता है पर कैमिला नहीं जाना चाहती। वो इस रिश्ते को जारी रखना चाहती है पर फैब्रिजियो इसे ख़त्म करना चाहता है। कैमिला ने कहा, तुम इस इलाके में सांस भी लेते हो, वो भी मेरी वजह से। वो धमकी देकर चली गई और कहकर कि आगे से उसका हर फोन उठना चाहिए। एंड्रिया ने घर के अंदर से गाड़ी की आवाज़ सुनी पर ये नहीं जान पाई कि कौन है। फैब्रिजियो जल्दी से ज्ञानी ऑफिस पहुंचा है। यहाँ वो पोंचो से कह रहा है कि एंड्रिया के साथ उसने भागने की सोची है और कोई रास्ता नहीं है। इतने में जॉर्ज यहाँ आ गया। वो दूर से खड़ा फैब्रिजियो की हरकतों को नोटिस कर रहा है। जॉर्ज ने जब एंड्रिया को अपने घर में देखा तब उसे अपने कमरे में बुलाकर डांटना शुरू किया। एंड्रिया ने कहा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इस ऑफिस के बिजनेस में या फिर ज्ञानी में काम नहीं करने वाली। जॉर्ज ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे सपने फोटोग्राफर बनने के किसी काम के नहीं, एक दिन का खर्चा भी नहीं निकलेगा इनसे, और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैमरे के पीछे व्यर्थ करते हुए नहीं देख सकता। आज से तुम ज्ञानी जाओगी वरना मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल करा दूंगा। इस समय इस घर की मेड छिपकर इनकी बातें सुन रही थी। अकेले में जाकर उसने एंड्रिया से बताया, गिल्दार्दो ने तुम्हारे खर्चों के बारे में जॉर्ज को बताया है, वो तुम्हारे कमरे में भी आता रहता है, तुम्हारा सामान कंप्यूटर सब कुछ चेक करता है। एंड्रिया ने उससे कहा, लुइसा तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूँगी। एंड्रिया पहुँची है गिल्दार्दो के पास। उसने उसे धमकाया आगे से उसके मामले में दखलंदाजी ना करने के लिए। गिल्दार्दो ने कहा, ज़रा सोचो अगर तुम्हारे पिता को पता चलेगा कि तुमने इस खानदान के वारिस को पैदा होने से पहले ही मार दिया तब मेरे ससुर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। यहाँ उसने एंड्रिया के साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की। एंड्रिया ने अपने आप को छुड़ाया और कहा, मैं अब तुमसे नहीं डरती, हमारे बीच जो था वो एक बार हुआ था, अब वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम चाहे जिससे भी जाकर बताओ, मैं इसकी परवाह नहीं करती। उसके जाते ही गिल्दार्दो का दोस्त उससे पूछने आया है कि हम इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। गिल्दार्दो ने कहा, जॉर्ज के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। खाने की टेबल पर गिल्दार्दो पहुँचा। उसने सबके सामने कहा, मैं और एंड्रिया आपस में प्यार करते हैं। ये सब सुनकर जॉर्ज बड़ा खुश हुआ है पर एंड्रिया गुस्से में यहाँ से उठकर चली गई। जॉर्ज खाने की टेबल पर इन दोनों के रिश्ते की आगे की प्लानिंग करने लगा, वो तो शादी की भी सोचने लगा है, जबकि मार्टिना कह रही है एंड्रिया गिल्दार्दो से खुश नहीं है। जॉर्ज को इस रिश्ते में सब कुछ दिख रहा है, इस ज्ञानी कंपनी का भविष्य भी। मार्टिना गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली गई जबकि जॉर्ज ने गिल्दार्दो को बधाई दी। एंड्रिया फैब्रिजियो के पास पहुंची है। उसने कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फैब्रिजियो ने उसे समझा बुझाकर भेजा। उसने वादा किया है कि वो इस बारे में सोचेगा, एक बेहतर प्लानिंग के बाद दोनों यहाँ से चल निकलेंगे। मार्टिना जॉर्ज से कह रही है, तुमने सारी ज़िंदगी मुझे दबा कर रखा, अब तुम एंड्रिया को भी उसी तरह दबा कर रखना चाहते हो, तुम औरतों को सिर्फ अपनी पावर से दबा कर रखने की चीज़ समझते हो। यहाँ जॉर्ज उस पर एग्रेसिव हुआ, मार्टिना ने तलाक की धमकी दी। जॉर्ज ने उसे सोफे पर बिठा कर गला दबाते हुए कहा, तलाक का अगर नाम भी लिया तो वो तुम्हारा आखिरी शब्द होगा। गिल्दार्दो ने अपने दोस्त को पैसे दे दिए हैं। उसने कहा, बस मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो,
आज शाम की पार्टी में जब गिल्दार्दो और फैब्रिजो का सामना हुआ, तब गिल्दार्दो ने कहा, तुम तो यहाँ कल आए हो, मैं यहाँ हमेशा से रहा हूँ, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं ही रहूँगा। फैब्रिजो उसकी बातों का इशारा समझ नहीं पाया। गिल्दार्दो का दोस्त एंड्रिया की सहेली मरिका मेन से मिला। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। जैसे तैसे मरिका मेन ने अपने आप को बचाया, उससे कुछ चोटें भी आई हैं। इधर जॉर्ज ने गिल्दार्दो को आदेश देते हुए कहा, काम को अंजाम दो। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। और अब अगला हिस्सा। डोलरस हिलारियो से कह रही है, मुझे फैब्रिजो को कोलंबिया से दूर ले जाना होगा। डोलरस जब अपने काम की जगह पहुंची, तब उसने कैमिला से कहा, वैसे तो तुम मेरी मालकिन हो, पर मेरे बेटे की रखेल हो, मैं फैब्रिजो की माँ हूँ। यह सुनकर कैमिला को झटका सा लगा। डोलरस ने उन ईमेल्स की कॉपी भी दिखाई जिसे उसने पेनड्राइव में डालकर बड़े अच्छे से संभाल के रखा है। कैमिला उसे घर से खदेड़ना चाहती है, पर डोलरस ने इसकी कीमत $5,00,000 मांगी। कैमिला ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, पैसे पेड़ पर रुकते हैं? पर डोलरस उसे धमका कर गई है कि अगर पैसे नहीं मिले तो ये सारी मेल्स पीटर पड़ेगा। पोंचो फेब्रियो से पूछ रहा है, एंड्रिया को कैसा लगेगा अगर उसे पता चले कि तुमने उसकी माँ से बेवफाई की? फेब्रिजो एंड्रिया को सब कुछ बताना चाहता है, उसके साथ वफा निभाना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि कब उसे कैसे कहे। मार्टिना के क्रेडिट कार्ड जॉर्ज ने बंद करा दिए हैं। इस सिलसिले में मार्टिना बैंक मैनेजर के पास पहुंची। मैनेजर ने कहा, आपके पति ने हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट दिए हैं जिसमें लिखा है कि आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए आपके कार्ड्स कैंसिल हो चुके हैं। मार्टिना ने कहा, मुझसे शादी के पहले जॉर्ज कंगाल था। मार्टिना ने पानी का बहाना बनाया और मैनेजर को पानी लाने को कहा। अकेले में उसने डॉक्यूमेंट को अपने बैग में रखा और यहाँ से जल्दी से घर की तरफ निकली। ये बात मैनेजर ने जॉर्ज से बताई कि वो दस्तावेज़ मार्टिना यहाँ से ले गई है। जॉर्ज ने उसे फटकार लगाई। मार्टिना ने रास्ते में कार को रोका और अपने आप से कहा, जॉर्ज तुम पर लानत है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फैब्रिजो जब अपने घर पहुँचा तब उसकी माँ यहाँ थी। बातों बातों में उसने कहा, अब मैं आपको समझ पा रहा हूँ, जब मैंने प्यार को समझा है तब मैं आपका प्यार भी समझ पाया। ये समझ पाया हूँ कि आपने जो कुछ भी किया अपने बेटे के प्यार के लिए, उसे पाने के लिए किया, आपने वो सब किया जिससे हम आगे बढ़ सकें। डोलरस बार बार उसे समझा रही है कि यहाँ से निकलते हैं, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, यहाँ उसकी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है, पर फैब्रिजो ने इन सब से इनकार किया। मार्टिना उस डॉक्टर के पास पहुँची है जिसने उसके बारे में गलत रिपोर्ट बनाई थी। डॉक्टर ने कहा, ये सब बैंक में देने के लिए मुझे बनवाए गए थे, आप अपने पति से बात करिए। इधर गिल्दार्दो और उसका दोस्त फैब्रिजो के घर पहुँचे हैं, तब जब वो घर में नहीं है। ये सब जॉर्ज के आदेश पर हो रहा है, उसने यहाँ से कुछ सामान भी पैक करने का आदेश दिया है। ज्ञानी ऑफिस में जॉर्ज फैब्रिजो से मिला है। उसने कहा, मैंने हसिंडा में कुछ ज़मीन खरीदी है, मैं वहाँ भी एक खास किस्म की चीज़ उगाना चाहता हूँ, तुम्हें अभी चलना होगा। फैब्रिजो नहीं जाना चाहता था, पर जॉर्ज की बात को भला वो कैसे टाले। दोनों अब यहाँ से निकल पड़े हैं। मार्टिना अपने पिता से मिली है अपने लिए हेल्प मांगने। इधर फैब्रिजो और जॉर्ज साथ में हैं। जॉर्ज बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा है। एंड्रिया ने अपने घर में सामान पैक कर लिया है, वो यहाँ से भागने को तैयार है। इधर रास्ते में बाथरूम के बहाने फैब्रिजो रुका। उसने पोंचो को फ़ोन कर कहा, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, मैं जॉर्ज की बातों में कुछ स्मेल कर पा रहा हूँ। वो कुछ अजीब से सवाल पूछ रहा है, मार्टिना को मैं पसंद करता हूँ या नहीं, इन सवालों से मुझे लगता है ज़रूर कुछ होने वाला है। इतने में जॉर्ज गाड़ी से उतरा, उसने बाहर से फैब्रिजो को आवाज़ लगाई। मार्टिना जब अपने पिता के साथ थी, तब एंड्रिया भी अपने नाना से मिलने आई। मार्टिना के पिता ने दोनों को हग करते हुए कहा, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इन सब घटनाओं के बीच एंड्रिया की सहेली मरिका मेन ने पोंचो से रिश्ते बना लिए हैं। दोनों इसके लिए सीरियस भी हैं, पर मरिका मेन ने अपने बाजुओं को दिखाया जहाँ चोट के निशान हैं। पोंचो ने जानना चाहा कि ये कैसे जख्म है। मरिका मेन उस शख्स के बारे में नहीं बताना चाहती। पोंचो तो ये चाहता है कि इसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाए, पर मरिका मेन ने रोते हुए कहा, उससे कुछ नहीं होगा, सब मुझी पर सवाल उठाएंगे, मैंने वैसे कपड़े क्यों पहने, छोटी स्कर्ट क्यों पहनी, मैंने कितनी पी थी, किस पार्टी में गई थी, सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं ही उत्तेजित थी, मैंने ही फंसाया होगा। पोंचो उसका नाम जानना चाहता है, पर मरिका मेन नहीं चाहती कि पोंचो को किसी भी तरह की चोट आए। पोंचो ने उसे गले से लगाया। इधर गिल्दार्दो और उसका दोस्त गड्ढा खोद रहे हैं। गिल्दार्दो ने कहा, दो इंसानों के बराबर गड्ढा खोदना होगा। जैसे उस इलाके के पास जॉर्ज और फैब्रिजो पहुंचे, जॉर्ज ने गन निकालकर फैब्रिजो पर तान दिया। उसने उसे बाहर निकलने को कहा। जॉर्ज ने उसे मारते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। वो बार बार मार्टिना से उसके संबंध के बारे में पूछे जा रहा था,
जबकि फैब्रिजियो इसे इनकार करता रहा। मौका पाते ही फैब्रिजियो ने जॉर्ज पर वार किया। ज़मीन पर गिरा कर वह उसे घूसे मारने लगा। गिलदादो और उसका दोस्त फैब्रिजियो को पकड़ने पहुँचे। इधर एंड्रिया कॉफ़ी हुपर के पास सामान लिए गाड़ी में फैब्रिजियो का इंतजार कर रही है। फैब्रिजियो को मार मार कर इन तीनों ने जख्मी कर दिया है और अब वे उसे उसी गड्ढे में जिंदा ही गाड़ने को ले जा रहे हैं। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। अब क्या फैब्रिजियो अपने आप को बचा पाएगा? इस कहानी का अंत क्या होने वाला है ये हमें आगे के हिस्से में पता चलेगा। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।